हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि मेकअप का राइट प्रोसेस क्या है मेकअप रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है ऑयल। यहाँ पे इस मेकअप को रिमूव करने के लिए मैंने यूज किया है कोकोनट ऑयल। अगर आपको कोकोनट ऑयल यूज नहीं करना है तो आप कोई भी बेबी ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप डायरेक्टली एक क्लेंजिंग मिल्क का यूज कीजिए मेकअप रिमूव करने के लिए, बिकॉज आपको कुछ एक ऑयली क्रीमी सब्सटेंस का तो यूज करना ही पड़ेगा अगर आपका हैवी मेकअप है। तो अगर आपको ऑयल्स में नहीं जाना है तो गो फॉर डायरेक्टली क्लेंजिंग मिल्क। यहाँ पे मैंने जैसे तीन स्टेप्स में मेकअप को रिमूव किया है। द फर्स्ट इज ऑयलिंग, सेकेंड इज क्लेंजिंग मिल्क एंड द थर्ड इज ऑब्वियसली द फेस वॉश। तो ये आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से मैंने यहाँ पे, आप शक्ल देख ही सकते हैं, काफी अच्छे से ऑयल पूरा मेकअप को मेल्ट कर देता है और बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे यूज किया है वेट वाइप्स। कभी भी ड्राई टिश्यू मत यूज कीजिएगा क्योंकि वो काफी रैशेज हो जाएंगे आपके स्किन पे, बहुत ही ड्राई हो जाता है वो चीज और वो स्किन को सूट नहीं करेगा ड्राई टिश्यू। हमेशा वेट वाइप्स लीजिए और एल्स जो कॉटन होते हैं कॉटन पैड्स को भी वेट कीजिए, स्क्वीज कीजिए एंड देन यूज कीजिए, क्योंकि ये आपके स्किन को भी काफी सॉफ्टनेस देगा, बहुत रफली रिमूव नहीं करेगा। अगर स्किन को आपने ड्राई टिश्यू है ऐसे या और एल्स ड्राई कॉटन से भी अगर आपने रिमूव किया तो काफी ड्राइनेस हो जाएगी, रैश हो सकते हैं स्किन में, स्किन बहुत डैमेज हो सकती है। सी अभी यहाँ पे मैंने लिया है क्लेंजिंग मिल्क। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्लेंजिंग मिल्क अप्लाई कर लिया है, बट आप हल्का सा फेस पे स्प्रे लेके या क्लेंजिंग मिल्क को वाटर के साथ थोड़ा सा मिक्स करके देन अप्लाई करके अच्छे से क्लेंज कर सकते हैं। तो इससे जो भी आपका मेकअप अगर स्किन के अंदर इंटैक्ट है वो निकल जाएगा काफी अच्छे से। अगेन मैंने वेट वाइप्स ही यूज किया है। आप यूज कर सकते हैं कॉटन पैड्स, बट ये सारे कॉटन पैड्स गीले ही होने चाहिए, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे फेस वॉश किया। मैंने यूज किया फेस वॉश के लिए सेटाफिल एंड देन मॉइस्चराइज कर रही हूँ जेल बेस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर से पॉन्ड्स का। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज कीजिए। इसके बाद आप सिरम लगा सकते हैं, आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए अगर आपके पास सिरम भी नहीं है ना तो फेस वॉश के तुरंत बाद मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगी कुछ नहीं हो तो एक एलोवेरा जेल लगाइए और फिर ही अपना कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।